यस पीपील गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब सब लोग Hope so, आप सब लोग आप बहुत बढ़िया रहेंगे मैं मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे सर सर मॉक टेस्ट पेपर जो है 2023 वाले उसके भी एटलीस्ट सजेस्टेड डाल दो एक बात बताऊं जब मैंने मॉक टेस्ट पेपर देखा ना तो मुझे लगा यार मैं क्या ही बना रहा हूँ ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में अगर आप अपनी क्लास की बुक देखोगे तो क्लास की बुक में आपको एमसीक्यू के दे रखे हैं उसी में से मॉक टेस्ट पेपर है कहीं से भी अलग नहीं है बट तो भी आपको बोल दिया तो चलो फटाफट एक काम करता हूं मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ और जितने भी एमसीक्यूज़ है उसके सॉल्यूशन आपको करा लेता हूं तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मॉक टेस्ट पेपर कौन सा वाला जो कि मार्च 2023 में आया था दैट इज सीरीज वन जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर वन है और ये जो है वो आपका इनकम टैक्स वाला 60 मार्क्स का पेपर है उसके बाद में ऑब्वियसली जीएसटी रहेगा 100 मार्क का पेपर होता है टोटल और वो वाला पेपर हम करने वाले हैं तो उसमें से जो एमसीक्यूज है ना एमसीक्यूज में बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे थे तो मैंने सोचा एक काम करता हूं मैं एमसीक्यूज एक बार फटाफट फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे क्या होगा ना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा बट थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा तो आप थोड़ा सा है वो ध्यान दीजिए सबसे पहला एमसीक्यू दे रखा है दैट इज मिस्टर कमल वाला के रखा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं बता दूं ये क्वेश्चन कहां पे मैंने कराया है अगर आप मेरी बुक देखोगे आपके पास में अगर रहेगी कंपाइलर रहेगा तो कंपाइलर में आप जाके देख सकते हैं जो आपकी टेस्ट सीरीज दे रखी है और टेस्ट सीरीज नंबर आई थिंक सिक्स या सेवन रहेगी सॉरी सेवन रहेगी तो सेवन वाली टेस्ट सीरीज में अगर आप जाके देखेंगे लास्ट में जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दे रखे ना टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज सेवन में जाके देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अगर आप देखेंगे अपना जो टेस्ट सीरीज सेवन वाला तो उससे ये वाला क्वेश्चन है उसमें अनिमेशकर करके नाम था और अभी यहाँ पे जो ने दिया है वो मिस्टर कमल उसका नाम चेंज कर दिया तो चलिए अपन चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है देखना citizen, तो पहली चीज तो ये बंदा इंडियन इंडियन सिटीजन होता है एज वगैरह क्योंकि इसका काम आपको आगे जाके पढ़ने वाला है तो मिस्टर कमल इज इंडियन सिटीजन एज बिजनेस इन दिजनेस सेटअप करता है एंड रिसाइडिंग इन दिल्ली सिंस टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड टेन से वहीं पर रह रहा है

एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ द दहली फ्लैट इज फोर्टी थाउजेंड उसने पे किया विच इज पेड बाय द कमल कमल ने यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स पे किया म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है वेर एवर ही कम्स टू इंडिया टू मिट हीज पेरेंट्स मिस्टर कमल विजिटेड इंडिया फॉर वन ट्वेंटी फोर डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इस साल में वो वन ट्वेंटी फोर डेज के लिए इंडिया में आया बिफोर दैट ही विजिटेड इंडिया फॉर टोटल थ्री सिक्स डेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन फोर टू थाउजेंड एटीन से लेकर और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के बीच में वो इंडिया आया था थ्री सिक्सटी सिक्स डेज के लिए आगे क्या दे रखा है हाउस इन रांची विच वॉज सोल्ड इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइनटीन

कैनेडियन कंपनी सिक्स लैक ट्वेंटी थाउजेंड है in so, इसमेंट है वो आपकी इंडियन इनकम है और फिफ्टी परसेंट है वो आपकी फॉरन इनकम इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड इन नेपाल गिवन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द इली कॉन्ट्रैक्ट फीस ऑफ फाइव लैक फॉर द फाइनेंशियल थ्री वॉज रिसीव बाय कमल इन द नेपाल ऑनली आगे क्या दे रखा है मिस्टर कमल हैज सोल्ड टेन थाउजेंड लिस्टेड शेयर एट द रेट फोर एटी पर शेयर ऑफ द ए लिमिटेड ऑफ इंडियन कंपनी ऑन फिफ्टीन सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच ही अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन एट द रेट हंड्रेड पर शेयर एस टी टी वॉज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द सच शेयर तो एक बात बताऊँ ये वाली जो इफॉर्मेशन है ये आपको सेक्शन वन वन टू ए की तरफ लेके जा रही है अगर आपको वन वन टू ए सेक्शन याद रहेगा तो ये इन्फॉर्मेशन वन वन टू ए की तरफ लेके जा रही है On 31st January 2018, the share of A Limited were traded on the recognized stock exchange as under. Highest price ये था average ये था lowest price ये था और इसके बेसिस आपको कुछ answer करने हैं MCQs के तो देखिए MCQs के कौन कौन से answer करने हैं वो अपन एक एक answer हैं, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला MCQ क्या है बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ केस सिनेरियो गिवन अबो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन वट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कमल फोर दसेसमेंट एट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इस साल के लिए कमल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा सबसे पहली चीज तो यह है अब एक बात बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया पहली कंडीशन क्या होती है कि स्टे इन इंडिया फॉर द वन एटी टू डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड दूसरी कंडीशन क्या होती है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन फोर प्रीवियस ईयर लेकिन एक चीज समझना इसने इंडिया में इस साल में जो स्टे किया है वो सिर्फ 124 डेज के लिए क्या है उसने इंडिया में सिर्फ 124 डेज के लिए स्टे किया है तो मुझे एक बात बताइए जो बेसिक कंडीशन नंबर वन है वो तो सेटिस्फाइड होनी रही है अब एक बात समझना दूसरी बेसिक कंडीशन जो है ना वो दूसरी बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है आपको पता है दूसरी बेसिक कंडीशन आपको तीन केसेस में देखने की जरूरत नहीं है एक तो कौन सा इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया दूसरा इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ 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 इंडियन 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 शिप और तीसरा सिटीजन पर्सन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट अगर उसका टोटल इनकम जो इंडियन इनकम है वो फिफ्टीन लेक से ज्यादा नहीं है बट अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी और सेकंड बेसिक कंडीशन में आपको पता है 60 डेज की जगह आपका 120 डेज हो जाएगा डेज की जगह आपका वन ट्वेंटी डेज हो जाएगा तो वन ट्वेंटी डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्स डेज और मोर इन द लास्ट फोर प्रीवियस ईयर तो पहली चीज तो मुझे ये बताओ क्या इसका इंडियन इनकम जो है वो फिफ्टीन लाख रुपीज से ज्यादा है या नहीं तो इंडियन इनकम फिफ्टीन लाख रुपीज से ज्यादा है या नहीं तो वो अपन चेक करते हैं तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालते हैं जो इंडियन इनकम है तो चलिए अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालने जाऊं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए उसको रेंट कितना मिल रहा है तो उसको मंथली रेंट मिल रहा है मंथली रेंट मंथली रेंट कितना देर का थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एक्चुअल रेंट की बात करूं तो उसका एक्चुअल रेंट हो जाएगा थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व कर दीजिए तो थ्री लेख नाइनटी थाउजेंड तो ये वाला एक्चुअल रेंट हो गया अब एक बात समझिए एक्चुअल रेंट है वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा तो यही तुम्हारा तो आपके पास में बच गया थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड है ये 3, 50, आपका क्या बच गया एन एवी बच गया अब एक बात समझना एनएवी का एक तो थर्टी परसेंट लेस करते हैं तो थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड का अगर आप थर्टी परसेंट करेंगे

तो 138, 200 है। ये आपका आएगा हाउस प्रॉपर्टी का जो है अब अपने को और कौन कौन सी देखनी है तो इंडियन इनकम नहीं है उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कैनेडियन कंपनी बट आउट ऑफ विच फिफ्टी परसेंट वॉज रिसीव इन इंडिया अब एक बात बताइए in इसका मतलब यह हुआ मैं एक बात बताऊ थ्री लैख टेन थाउजेंड तो इंडियन इनकम होगी ये जो थ्री लाख टेन थाउजेंड्री लाख टेन थाउजेंड इंडियन इनमी लाख टेन थाउजेंड है तो शेयर इनकम आया तो शेयर ले लीजिए तो उसने जो शेयर है ना वो फोर एटी की रेट से बेचे है और फोर एटी की रेट से कितने शेयर बेचे है टेन थाउजेंड शेयर बेचे आई थिंक राइट तो फोर एटी की रेट से आप बताइए टेन थाउजेंड शेयर बेचे तो आपका फोर्टी एट लैक है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया

और स्टेप वन जो है स्टेप वन में आप अपनी कॉस्ट है वो ले लीजिए आपने खरीदा कितने में था सौ रुपए में खरीदा था और ये देखो थर्टी फर्स्ट जेन टू थाउजेंड एन उससे पहले खरीदा था तो सौ रुपए में खरीदा था तो एक बात बताइए आपका सौ रुपया तो ओरिजिनल कॉस्ट था अब दूसरा स्टेप टू में आपको दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता था एक तो आपको किससे कंपेयर करना पड़ता था उसका जो है वो सेलिंग प्राइस कितना है और दूसरा एफ एम वी एज ऑन थर्टी फर्स्ट जेन टू थाउजेंड एटीन कितना है तो एक बात बताइए सेलिंग प्राइस है वो तो आपका 480 है और एफ एम कितना है हाईएस्ट वाला लेंगे 300 लेंगे तो 300 है इसमें से बेटा लोअर ले लीजिए तो आपका 300 आ गया तो 300 और 100 में हायर कितना आएगा 300 आया तो मैं बताऊं यहां पे बेटा 300 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन ये आपका 30 लाख रुपीज है वो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन और मुझे एक बात बताइए यहां पे एटीन लैख का आपका क्या हो जाएगा एटीन लैक है ये एटीन लैख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जो कि अंडर सेक्शन वन में टैक्सेबल होगा एट द रेट एट द रेट टेन परसेंट इन एक्सेस ऑफ द वन लैख अब मुझे एक बात बताइए यहां पर यह आपका एटीन लैक हुआ तो अगर मैं इंडियन इनकम की बात करू तो उसकी इंडियन इनकम फिफ्टीन लैख से ज्यादा है तो इंडियन इनकम फिफ्टीन उस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा और सेकंड बेसिक कंडीशन में, में जगह कंप्लीट हो रहा है आंसर इज यस तो एक बात बताओ यहां पर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिसफाइड नहीं हो रही सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई बट वो बंदा इंडियन सिटीजन है करके ठीक है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है उसका टोटल इनकम इनकम तो मैं बताऊँ रेजिडेंट माना जाएगा बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट वो रेजिडेंट माना जाएगा बट नॉट ऑर्डनरीली रेसिडेंट आर बट एनओ आर है वह उसका रेसिडेंशियल स्टेटस होगा तो इस साल का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा दैट इज द रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरली रेजिडेंट है वह माना जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्बल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन हेड्स ऑफ मिस्टर कमल तो कमल के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आएगा अभी अपन ने कैलकुलेट किया था तो नेट हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है वो वन लैख थर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड आ जाएगा तो यहां पर आप वन लैख थर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड है दैट इज द राइट आंसर यह आपका नेट हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट ट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन वुड अराइज इन हैंड्स ऑफ द कमल ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ एलिमिटेड एलिमिटेड के शेयर ट्रांसफर करने पे उस पर कैपिटल गेन कितना ये 18 लाख रुपीज आ रहा था तो 18 लाख विल बी द राइट आंसर 18 लाख है वो उसका हो जाएगा 18 लाख रुपीज है वो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वन वन टू ए वाला करके ठीक है चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ कमल फॉर देंट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सेक्शन अगर वो वन वन फाइव बी एस सी नहीं ले रहा है तो आप बताइए तो की वही वाली इनकम टैक्सेबल होती है जो बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी तो इंडिया की इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल होगी तो आप एक काम करिए सबसे पहले प्रॉपर्टी का इनकम है टैक्सेबल नहीं होगा आप एक काम करिए सीधा सबसे पहले

ट वुड बैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट इन द मैनर सो एस टू मिनिमाइज लाइबिलिटी फॉर ट्वेंटी आप एक काम करिए बोला नहीं है 115 BAC को इग्नोर करना है तो आपको वन वन फाइव बीएससी के हिसाब से निकालना है और नॉर्मल के हिसाब से भी निकालना है अगर एक बात बताओ आप अगर नॉर्मल के हिसाब से निकालते हो तो नॉर्मल के हिसाब से निकालते हो तो आपको कितना होगा ट्वेंटी वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड एंड टू हंड्रेड पे टैक्स निकालना है

वन लैख सेवेंटी थाउजेंड टैक्स आ जाएगा अब इसमें से आप एक काम करिए ,00 को अगर आप लेस कर देते हैं तो थ्री लैख एट थाउजेंड टू हंड्रेड बचेगा अब मुझे एक बात बताइए थ्री लैख एट थाउजेंड टू हंड्रेड जो बचा थ्री लैख एट थाउजेंड टू हंड्रेड इसमें से ये सीनियर सिटीजन है क्योंकि नाम में दे रखा है देखिए इंडियन सिटीजन और यह एज सिक्सटी वन रेजिडेंट बंदा ही है यह क्योंकि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरली रेजिडेंट है बट रेजिडेंट तो है ना बट ये सीनियर सिटीजन है तो थ्री लैख का बेसिक एग्जामेशन आ जाएगा तो थ्री लैख सिक्स में से आप एक काम करिए जो थ्री लैख सिक्स एट थाउजेंड टू हंड्रेड से आप लेस कर दीजिए कितना लेस करेंगे इसमें से आप लेस करेंगे बेसिक एग्जामेशन थ्री लैख का तो थ्री लैख ,00 का आप बेसिक एग्जेम्शन इसमें से लेस कर दीजिए बचेगा कितना सिक्सटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड उस पर आपका कितना फाइव परसेंट लेंगे तो फाइव परसेंट टैक्स निकाल दीजिए यह आपका होता है थ्री फोर वन जीरो थ्री फोर वन जीरो और वन लाख सेवेंटी थाउजेंड टोटल कर दीजिए वन लाख सेवेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टेन और उसमें फिर फोर परसेंट आप हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे, वो आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास में आता है वन एटी थ्री फोर्टी सिक्स वन एटी में बेसिक एक्समशन है वो थ्री लैख का नहीं मिलेगा आपको टू लैफ फिफ्टी थाउजेंड का मिलेगा और एक और चीज आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा वो एटी थाउजेंड का जो डिडक्शन हमने लिया था एटीसी का वो डिडक्शन नहीं मिलेगा तो उसके हिसाब से और टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आएगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो आंसर तुम्हारा जो करेक्ट रहेगा दैट इज वन एटी थ्री फिफ्टी है राइट आंसर सी आंसर है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अ ब्यूटी प्रोडक्ट ऑन थाउजेंड ट्वेंटी टू एक बात बताइए इस दिन उसने अपना ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस चालू किया है किसने अर्चना ने जो कि राज की वाइफ है शी इन्वेस्टेड फाइव लैक इन द बिजनेस ऑन फिफ्टीन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फर्ट डे है बिजनेस का आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड मिस्टर राज She She further invested lakh lakh from her own saving on December 2022. She earned a profit of 1 from her business for the financial year twenty two twenty three. Which of the following statement is correct? अब एक बात समझना मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी वाइफ को या फिर वाइफ हस्बैंड को कोई भी गिफ्ट देता है और आगे वाला पर्सन उसको बिजनेस में लगा लेता है तो बिजनेस का प्रॉफिट आपके हाथ में क्लब तभी होगा जब आपने जो पैसा दे रखा है वो ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है फर्स्ट अप्रेल दो हजार बाईस की कैपिटल है लेकिन एक चीज समझना मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि अगर बिजनेस चालू

तो ये तो ओपनिंग कैपिटल में नहीं आएगा तो ओपनिंग कैपिटल में कितना था आपका यही फाइव तो भी आपका इनकम हुआ है 1, 50, 000, ये 1, 50, पूरा 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 किसके हाथ में क्लब हो जाएगा मिस्टर राज के हाथ में क्लब हो जाएगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन लैख्टी थाउजेंड इज इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राज ये राज के हाथ में क्लब हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ सिक्सटी थाउजेंड वॉज पेड टू मिस्टर समर ऑन फर्स्ट जुलाई 2022, थाउजेंड ट्वेंटी टू टूवर्ड द फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स में टीडीएस नहीं काटा और आपने प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट किया है कितने का किया है सिक्सटी थाउजेंड का किया है ये किसको किया है समर को किया है फर्स्ट जुलाई 2022 को subsequently another payment of 75000 was due to the summer on 28 feb 2023 from which 10% that is amount to 13500 on the entire amount of 135000 was deducted and net amount was paid on same day to mr summer however the, this tax of 13500 was deposited only no on इंटरेस्ट अंडर सेक्शन वुड बी। अब एक बात बताओ, अगर आपने और की से लगता है और अगर आपने लेट काटा और उसके बाद अगर आपने लेट जमा कराया तो वन पॉइंट फाइव परसेंट की रेट से इंटरेस्ट लगता है और यह इंटरेस्ट लगता है सेक्शन टू जीरो में अब एक बात समझिए पहली चीज तो एक बात बताइए 20 जुलाई 2022 को आपने 60000 का उसको प्रोफेशनल फीस पे किया था तो उस पे 6000 का टीडीएस काटना चाहिए था 194 जे में 194 जे में 6000 का टीडीएस काटना चाहिए था आपने नहीं काटा तो 6000 पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा कब तक लगेगा पता है जिस दिन टीडीएस काटना चाहिए था 1 जुलाई 2022 से लेके और जिस दिन आपने टीडीएस काटा दैट इज 28 फेब 2023 तक तो आप यहां पे मंथ काउंट करोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब करके मतलब इंटरेस्ट आया तो अब एक चीज समझना अब आपने जो टीडीएस है वो पूरा काट लिया कब काटा 28 फेब 2023 को तो 28 फेब को जो आपने काटा ना वो आपको जमा कब कराना पड़ेगा 7 मार्च तक कराना पड़ेगा सेवन मार्च 2023 तक कराना पड़ता है जिस महीने में आप टीडीएस काटते हो उसके अगले महीने के सात दिन के अंदर अंदर बट यहां पे टीडीएस आपने टाइम पे जमा नहीं कराया तो टाइम पे जमा नहीं कराया तो वन पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट लगेगा का टीडीएस काटा है. तो टोटल तो आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड टोटल कम्स टू वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड और वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड पर टेन परसेंट होता है तेरह हजार आपने टीडीएस काट लिया तो उस पर आपने जमा नहीं कराया टाइम पे तो परसेंट की रेट से इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट कहां से लगेगा पता जिस दिन आप टीडीएस काटा है उस दिन से तो काटा है है 28 February 2023 से और आपने जमा आपने जमा जमा कब कराया वो 2023 को कराया 2023 को कराया 2023 को कराया 2023 को कराया जो वो जून 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 को 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 तो वहां तक आपको इंटरेस्ट लग जाएगा अब एक बात समझिए तो अगर आप एक महीना काउंट करेंगे तो ट्वेंटी सेवन मार्च आएगा ट्वेंटी सेवन अप्रैल 27 मई एंड 27 जून तो बेटा यहाँ पार्ट ऑफ द मंथ है तो भी वो फुल मंथ माना जाएगा इसका मतलब आपको यहाँ पे फोर मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा तो आप 13,500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 परसेंट मल्टीप्लाई बाय फोर मंथ इट्स कम्स टू द एट हंड्रेड एंड टेन रुपीज एट हंड्रेड एंड टेन रुपीज इसका मतलब आपका एट हंड्रेड एंड टेन तो फोर एटी प्लस एट हंड्रेड एंड टेन इट्स कम टू द ट्वेल्व हंड्रेड एंड नाइन्टी इतने का आपका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा सो बी विल बी द राइट आंसर तीसरे का बी जो है वो आपका राइट right आंसर है आगे क्या दे रखा देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए मिस्टर सी एज थर्टी फाइव इस इज अ वर्किंग पार्टनर विद मेसर्स बी सी अ पार्टनरशिप फॉर्म विद इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ठीक है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द द फर्म हैज पेड टू बी सी एंड डी है द वर्किंग पार्टनर ये तीनों ही वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म टू लाख रुपए सबको दिया है तो टोटल कुल मिलाकर छह लाख रुपए का रेम्युनोरेशन दिया है द फर्म हैज पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इन द टोटल टोटल, ऑल थ्री पार्टनर एंड द सेम इज विद इन लिमिट ऑफ ट्वेल्ल परसेंट उनको लेकिन उसकी लिमिट होती है फोर्टी बी की लिमिट है और फोर्टी क्लॉज नंबर बी क्या बोलता है इंटरेस्ट अगर आप लोन पे देते हो कैपिटल पे देते हो तो मैक्सिमम कितना ट्वेल्ल परसेंट पर एनम है वो आपको अलाउ होता है मैक्सिमम जो ट्वेल्व परसेंट पर एनम है वो अलाउ होता है और रेमुनरेशन में एक लिमिट है वो बुक प्रॉफिट बेसिस वो बुक प्रॉफिट में अप टू थ्री लैख तक का बुक प्रॉफिट पे आप नाइन्टी परसेंट ले लीजिए और बैलेंस वाला बुक प्रॉफिट रहेगा उस पर आप सिक्सटी परसेंट लीजिए वो सब आपने सिखा हुआ है ठीक है तो देखिए क्या लिखा हुआ है तो इन्होंने आगे क्या दे रखा है तो बारह परसेंट लिमिट में ही पे किया तो इसको इंटरेस्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है आगे क्या दे रखा है द फर्म हैड अ लॉस ऑफ वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड आफ्टर डेबिटिंग द रेम्यनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करने के बाद फर्म को लॉस आया वन लाख ट्वेल्ल थाउजेंड का रेम्युन एंड इंटरेस्ट कैपिटल इज ऑथोराइज the partnership deed. आपसे पूछा क्या है? यू मिस्टर सी आर इन प्रोसेस टू कंप्यूटिंग अलाउ होता है ना उतना टैक्सेबल होगा रेम्यूनरेशन जितना फर्म को अलाउ होता है उतना टैक्सेबल हो जाएगा और जितना डिसअलाउड होता है वो तो प्रॉफिट शेयर माना जाता है और वो एक्जेम हो जाता है तो पहली चीज तो एक बात बताओ रेम्यूनरेशन अलाउ कितना हुआ होगा तो मेरी को एक बात बताओ इन्होंने इनका जो नेट लॉस दे रखा है यहां पे वो वन लेख ट्वेल्व थाउजेंड है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बुक प्रॉफिट मतलब पीजीबीपी का इनकम बिफोर रेम्युनोरेशन तो एक काम करिए ना इसमें रेम्यूनोरेशन ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट तो बारह परसेंट ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप रेम्यूनरेशन को एड कर दीजिए तो आप एक काम करिए छह लाख और माइनस एक लाख बारह हजार तो यहां पे आपके पास में आ जाता है फोर लैख एटी एट थाउजेंड एक बात बताऊं ये तुम्हारा बुक प्रॉफिट है और इस बुक प्रॉफिट बेसिस पे आपको रेमुनरेशन अलाउ होता है तो बुक प्रॉफिट फोर एटी एट आया तो इसमें से थ्री लैख ,00 तक का जो रहता है उस पर नाइनटी परसेंट ले लीजिए तो उसका नाइनटी परसेंट करेंगे तो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड और एक बात बताइए उसके बाद बैलेंस कितना बचा वन लाख एटी एट थाउजेंड उसका इट्स था तो टोटल कर दीजिए तो वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस टू लाख सेवेंटी थाउजेंड तो इट्स कम्स टू द आपका थ्री लाख एटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड मैं बोलू इतना रेम्यूनोरेशन अलाउ होगा तो मैक्सिमम इतना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा और यहां पे एक बात बताऊं यहां पे दो लोग हैं तो यहां पे जब दो पार्टनर है तो मुझे बताइए यहां पे आपका इक्वल रेशियो है तो रेम्यून तो आपने उसको दो सॉरी तीन पार्टनर है कितने तीन पार्टनर ही ना कि दो पार्टनर है यहां पे आप देखोगे ओ तीन पार्टनर है करके ठीक है तीन को दिया था एटी टू एट हंड्रेड आला होगा डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब वन ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड आया और वन ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड आया तो वन ट्वेंटी सेवन एंड सिक्स हंड्रेड जो है वो आपका आया अरे बाबू कितना आ रहा है वन ट्वेंटी डिवाइड बाय थ्री कर दीजिए तो यहाँ पे डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो वन ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड वो एक का रेमुनरेशन अलाउ हुआ तो जितना अलाउ होता है उतना का उतना टैक्सेबल हो जाएगा तो वन ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड टैक्सेबल विल बी हैंड्स इन ऑफ पार्टनर चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर फाइव पे आ जाइए इनकम डिराइव फ्राम द फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द इमीडिएट वेसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड नॉट असेज टू लैंड रेवेन्यू वुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इफ सच लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया एक बात बताओ एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है या तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच देते हो वो एग्रीकल्चर इनकम है या फिर एग्रीकल्चर लैंड किसी को आप भाड़े पे देते हो और उसका भाड़ा मिलता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है एक चीज ध्यान रखना एक फार्म हाउस का भाड़ा भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है लेकिन फार्म हाउस का भाड़ा एग्रीकल्चर इनकम में तभी आएगा जब वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है आप इसको ऐसे याद रखिए फार्म हाउस जो होता है ना फार्म हाउस का मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके आसपास में कोई आपने घर बनाया और वो गोडाउन किसी को भड़े पे दिया या तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए करके ठीक है या उसमें कोई वर्कर वगैरह सो रहे हैं उसके लिए अगर आपने कोई फार्म दिया और वो फार्म हाउस का जो भाड़ा है बिल्डिंग का भाड़ा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है लेकिन वो रूरल एरिया में होना चाहिए रूरल एरिया का मतलब ये होता है कि भैया एक बात बताइए जैसे अर्बन एरिया को डिफाइन कर रखा है अर्बन एरिया किसको बोलते हैं कि ऐसा है म्यूनिस्पिलिटी एरिया जहां का पॉपुलेशन टेन या उससे ज्यादा है वो आपका अर्बन एरिया है बट अगर वो पॉपुलेशन है वो मोर देन टेन थाउजेंड अपन लेक है मोर देन टेन थाउजेंड टू वन ले है तो बाहर का टू किलोमीटर का एरिया कवर हो जाएगा मोर देन वन अप टू टेन लेख है तो बाहर का सिक्स किलोमीटर का एरिया और मोर देन टेन लेके तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया तो चलिए अब अपन चलते हैं इसमें से रूरल वाला कौन सा है क्योंकि रूरल वाला जो अगर फार्म हाउस है जो बिल्डिंग सिचुएटेड है वही वाला तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा तो देखिए सबसे पहले एन एरिया एट अ डिस्टेंस ऑफ द थ्री किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसपिलिटी एंड पॉपुलेशन ऑफ एटी थाउजेंड एज पर सेंसस मीस उस म्यूनिसपिलिटी का पॉपुलेशन एटी थाउजेंड तो एटी थाउजेंड है तो देखो टेन थाउजेंड और मोर है तो वो म्यूनसिपिलिटी तो अर्बन है ये उसके बाहर का अगर टेन थाउजेंड से बन लेके तो बाहर का टू किलोमीटर का एरिया अर्बन में आएगा तो इसका मतलब मैं बता ये तुम्हारा रूरल में आएगा ये तुम्हारा रूरल में आएगा ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारे रूरल में आएगा अब दूसरे की अगर मैं बात करूं एरिया विद विदिन फाइव किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन है है तो तो अगर मोर देन अप टू है तो बाहर तो का टू किलोमीटर तो ये तो अर्बन में आ जाएगा उसके बाद टू किलोमीटर और इलेवन लैक तो ये भी अर्बन में आएगा ये लास्ट वाला भी अर्बन में आएगा तो इसका मतलब ये पहला वाला रूरल में आएगा और ये रूरल में आएगा इसका मतलब ये तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं पॉइंट नंबर पे आइए मिस्टर गुप्ता एच इन द महाराष्ट्र कंप्राइज ऑफ द हर्ष गुप्ता उनकी वाइफ है निधि गुप्ता उनका सन है दीपक गुप्ता डॉटर इन लॉ दीप्ति गुप्ता एंड डॉटर मिस प्रीति गुप्ता विच ऑफ द मेंबर ऑफ द एचयूए आर एलिजिबल फॉर द को पार्टनरी राइट अब एक बात समझिए यहां पे पर राइट right किस किस के पास में रहता है तो को पार्टनर का मतलब क्या होता है पहली चीज तो ये को पार्टनर देखो एक तो एच यूएफ के मेंबर होते हैं और एक होता है को पार्टनर को पार्टनर उसको बोलते हैं जिसमें बंटवारे का हक होता है मतलब जो बंटवारा करा सकता है जैसे भाई 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 और बहन के बीच में प्रॉपर्टी बिकती बटती है दैट इज कॉल्ड बंटवारे का पार्टीशन का जिसके पास में हक होता है उसको बोला जाता है को पार्टनर एक चीज ध्यान रखना जैसे मान लो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है तो मेरी पापा की प्रॉपर्टी में पापा है वो को पार्टनर रहेंगे उसके बाद मैं को पार्टनर हूँ मेरी बहन को पार्टनर है बट मेरी मम्मी को पार्टनर नहीं रहेगी मेरी मम्मी मेंबर हो सकती है को पार्टनर नहीं है मेरी जो बीवी है वो मेंबर हो सकती है को पार्टनर नहीं होगी बट मेरी बीवी जो है उसके पापा के एच में जो है वो को पार्टनर रहेगी मीन देखो सिंपल सी लॉजिकल अगर मैं बताऊ ना कि अपने घर में जो बहन होती है बहन को को पार्टनर माना जाता है पापा की प्रॉपर्टी में लेकिन बहू को नहीं माना जाता तो एक बात बताइए यहाँ पे इस एच में एक हर्ष गुप्ता बंदा है ये को पार्टनर है आंसर इज य उसकी वाइफ निधि गुप्ता ये को पार्टनर नहीं है वाइफ निधि गुप्ता है ये निधि गुप्ता जो है ये आपकी को पार्टनर है वो नहीं मानी जाएगी ठीक है आगे क्या दे रखा है इन्होंने आगे इन्होंने जो दे रखा है तो यहां पे जैसा मैं बता रहा हूं हर्ष गुप्ता है वो को पार्टनर माना जाएगा आंसर यस निधि गुप्ता नहीं मानी जाएगी

MTP, जो, second series है, है। जो है वो वो। देख लेते हैं। अब अब आ जाइए आपका जो है 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 आप बोलोगे सर ये ये भी भी कुछ नया है कि इसमें answer is no. मैं बता ये वाला केस सिनेरियो भी अपनी बुक में दे रखा है। और अगर आप अपनी बुक में जाके देखेंगे that is the, आपका आई थिंक टेस्ट सीरीज नंबर सिक्स रहेगा और टेस्ट सीरीज नंबर सिक्स है उसका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है ये क्वेश्चन है अपनी बुक का ठीक है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर करना है तो

फैमिली डिड नॉट अंपनी हिम मीन बंदा यूएस चला गया किसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सी डेट को गया देखो यह बंदा जो जा रहा है यह पंद्रह सेप्टेंबर दो हजार बाईस को जा रहा है करके ठीक है ऑन द ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मिस्टर राजन हैड गॉन आउटसाइड इंडिया और द फर्स टाइम इन हिज लाइफ टाइम पहली बार इंडिया के बाहर जा रहा है ड्यूरिंग अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू सेवेंटी टू ही वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली जो दिल्ली में ये काम करता था मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में ही अर्न द सैलरी ऑफ 14 लाख फ्रॉम हिज जॉब इन इंडिया ही पेड द ट्यूशन फीस ऑफ वन लाख एटी थाउजेंड फॉर रियाज एजुकेशन इन द डीएवी स्कूल स्कूल डीएवी में उसने जो ट्यूशन फीस पे किया है रिया की एजुकेशन के लिए वो वन लाख एटी थाउजेंड है अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न द प्रोफेशनल इनकम ऑफ द 60 लाख 60 लाख का प्रोफेशनल इनकम है जिसका ग्रॉस रिस्ट है वो 90 लाख रुपए है फ्रॉम इंडिया इंडिया में उसका प्रोफेशनल इनकम 60 लाख है जिसका प्रोफेशन का ग्रॉस रिस्ट है वो 90 लाख है ड्यूरिंग द इय हि ऑल्सो अर्न द इंटरेस्ट फ्रॉम हिज इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट टू द टून ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉ द फिक्ड डिपोजिट विदेशलाइज बैंक इज फोर्टी फाइव थाउजेंड मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न सैलरी इनकम इक्वल इन टू सिक्स लैक फ्रॉम द यूएसएफ हज जॉब ऑन विच नो टैक्स इज पेड और पेबल इन यूएसए यूएसए में टैक्स लगता ही नहीं

तो इंडिया में वो पंद्रह सेप्टेंबर को गया था तो सेप्टेंबर को गया था इसका मतलब अप्रैल में इंडिया में था मई में इंडिया में था जून में इंडिया में था जुलाई में इंडिया में था अगस्त में इंडिया में था पंद्रह सेप्टर तक इंडिया में था और उसके बाद वो मार्च में वापस आया ट्वेंटी फिफ्थ मार्च को तो एक बात बताइए बातेंटी थर्टी और थर्टी वन इसका मतलब सात दिन और जोड़ दो तो इसका मतलब इंडिया में जो था वो वन सेवन फाइव डेज था वन सेवेंटी फाइव डेज था मुझे एक बात बताइए बेसिक कंडीशन नंबर वन तो सेटिस्फाइड नहीं हुई बेसिक कंडीशन नंबर जो टू है एक बात बताओ वो देखने की जरूरत है या नहीं देखने की जरूरत नहीं मैंने आपको बताया इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर फॉर फॉर एन एन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड आउटसाइड इंडिया 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 इंडियन सिटीजन लीव ड्यूरिंग द तो यहां पे बेटा बेसिक कंडीशन नंबर वन तो यहां लगी नहीं रही है और सेकंड आपको देखने की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि बेटा सेक्शन सिक्स वन के हिसाब से तो वो बंदा नॉन रेजिडेंट हो गया सिक्स वन के हिसाब से वो बंदा नॉन रेजिडेंट हो गया लेकिन एक चीज समझना मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा रखा है कि सर एक सेक्शन हुआ करती है दैट इज कॉल डीम्ड रेसिडेंसी का concept. और ये डीम्ड रेसिडेंसी क्या बोलता है एक सेक्शन सिक्स वन बोलती है वो ये बोलती है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन जो है नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री किसी भी कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स नहीं है तो क्या यूएसए में उसको टैक्स लग रहा है या नहीं, नहीं लग रहा ये है ये इंडियन सिटीजन है आंसर इज यस इंडियन सिटीजन है एंड यूएसए में उसको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया का वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा अगर उसका इंडिया में इनकम फिफ्टीन लैक्स से ज्यादा है तो इंडिया में इनकम अगर फिफ्टीन लैक् से ज्यादा है तो उसको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा बट हमेशा क्या माना जाएगा पता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट माना जाएगा और इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा एक बात बताइए क्या इसका इंडिया का इनकम 15 लाख से ज्यादा है आंसर इज यस 60 लाख तो प्रोफेशनल का इनकम ही दिख रहा है यहां yeah, 60 लाख है वो तो आपका प्रोफेशनल फीस ही दिख रहा है प्रोफेशनल इनकम ही दिख रहा है तो आपका 15 लाख से ज्यादा है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट तो यहां पे डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे तो पहले का आंसर विल बी द डी विल बी द राइट आंसर दैट इज डीम्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया आगे क्या दे रखा है

14 ,00 है, तो 14 ,00 में से आपका फिफ्टी थाउजेंड का आ गया तो यहां पे आपका नेक्स्ट पार्ट हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर सिक्स द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजन राजन को ग्रॉस टोटल इनकम से कितना डिडक्शन मिलेगा एक बात बताइए उसने एक तो अपनी बेटी के लिए ट्यूशन फीस पे है और ये ट्यूशन फीस कितना पे किया है ट्यूशन फीस पे किया है यहाँ पे रिया के एजुकेशन के लिए डी स्कूल में और ट्यूशन फीस जो उसने पे किया है वो ट्यूशन फीस कैसे पे किया है करके ठीक है तो ट्यूशन फीस उसने यहां पे एटीसी में एटीसी में डिडक्शन मिलेगा कितना वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का उसने वन लाख एटी थाउजेंड किया है तो भी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का डिडक्शन तो ये मिल जाएगा तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का ये डिडक्शन और एक बात बताइए इसके साथ साथ में उसने एक एफ डी का इंटरेस्ट और है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और है तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है ट्वेल्व थाउजेंडी का इंटरेस्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड इट्स कम्स टू द फिफ्टी सेवन थाउजेंड और एक बात बताइए क्या ये सीनियर सिटीजन है आंसर इज यस क्या रेजिडेंट है आंसर इज यस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना तो फिफ्टी थाउजेंड का एटी टीटी बी का डिडक्शन मिल जाएगा तो यहां पे 80 टीबी में डिडक्शन मिलेगा वो 50,000 का मिलेगा इसका मतलब हुआ कि टोटल उसको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर चैप्टर सिक्स ए तो यहां पे बेटा 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा अंडर चैप्टर सिक्स ए करके ठीक है टेक्स लाइबिलिटी ऑफ राजन फोर द असेसमेंट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के लिए उसका टेक्स लाइबिलिटी क्या होगा तो टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करना है आपको ए हर हेड का इनकम लेना है तो सबसे पहले देखिए सैलरी का इनकम कितना आया थर्टीन लैक फिफ्टी आया था उसके बाद में आप एक काम करिए पीजीबीपी का इनकम सीधा की बात करूं तो, तो इंटरेस्ट है और एक तुम्हारा टोटल हुआ सेवन लैस था इसमें से टू लाख रुपीज आप लेस कर दीजिए डिडक्शन का तो सेवन लैख सेवन थाउजेंड हुआ अब एक काम करिए जो सेवेंटी टू लैख सेवन थाउजेंड है उस पर आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए और वो वन वन फाइव बी नहीं ले रहा है यहाँ पे थ्री लैख का बेसिक एग्जामिशन रहेगा तो इसमें से आप एक काम करिए माइनस टेन लैख का थर्टी परसेंट प्लस वन लैख एंड अरे कितना आएगा करो ना माइनस वन लैख टेन थाउजेंड आए थे हाँ तो ये आया 1970, 200, इसमें आप सरचार्ज भी लगेगा आंसर इज यस बिकॉज इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप उसमें 10 परसेंट सरचार्ज ऐड कर दीजिए 10 परसेंट सरचार्ज ऐड कर दिया 4 परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड कर दिया तो आपके पास में आंसर आता है दैट दैट इज एंड तो विल बी द राइट आंसर करके ठीक नेक्स्ट पॉइंट वट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अब एक बात बताओ रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट देखिए जो कंपनी है पार्टनरशिप फर्म है और ऑडिट पार्टी है उसके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है वो आपकी थर्टी अक्टूबर होती है और बाकी के लिए थर्टी फर्थ जुलाई अब एक बात बताइए क्या इसकी ऑडिट होगी क्योंकि प्रोफेशन के केस में ऑडिट कब करानी पड़ती है अगर आपका ग्रॉस रिसिट फिफ्टी लैक से ज्यादा है तो इसका देखिए ग्रॉस रिसिट है वो नाइनटी लैक है तो ग्रॉस रिसिट अगर फिफ्टी लैक से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी यहां पे ग्रॉस रिसिट नाइन्टी लैक है और जब ग्रॉस रिसिट इसका मतलब फिफ्टी लैस से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और जब ऑडिट करानी पड़ेगी तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो ड्यूडेट हो जाएगा वो फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हो जाएगा सो बी विल बी द राइट आंसर करके ठीक है चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाइए मिस्टर ए एज 45 फाइव इयर सोल्ड एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 52 लाख रुपए ऑन वन टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एक्वायर्ड एट अस्ट ऑफ फोर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव लैक ऑन थर्टीन सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एट सेवन किलोमीटर फ्रॉरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनिपिलिटी अब एक बात बताओ अगर किसी म्यूनिपिलिटी का पॉपुलेशन है वो फोर तो उसका कौन सा कितना एरिया अर्बन एरिया में माना जाएगा तो मैं बताऊं देखो टेन और मोर है वो अर्बन एरिया है अगर पॉपुलेशन मोर देन टेन थाउजन लैक है तो टू किलोमीटर का एरिया कवर करिए मोर देन 1 लाख है अप टू 10 लाख है तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया कवर करिए एक बात बताओ ये तो एग्रीकल्चर लैंड है वो 7 किलोमीटर दूर है तो मैं बताऊं ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हुई तो अगर मान लो कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया होती है उस पे आपको कैपिटल गेन नहीं लगता क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है और जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो उस पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा एंड ऑल्सो सोल्ड अनदर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ फिफ्टी थ्री लैक ऑन ट्वेल्व 12 टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कॉस्ट ऑफ फोर्टी सिक्स ऑन फिफ्टी फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सिचुएटेड वन पॉइंट फाइव किलोमीटर फ्रॉम द जुरी ऑफ मिनिपिलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 12,000 थाउजेंड तो पॉपुलेशन टेन थाउजेंड से लेके

मेस्टर्स एबीसी एंड एलिजिबल एस फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये फॉलो करते हैं कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस अंडर सेक्शन फोर्टी एडी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल टोटल टर्नओवर इस साल का 130 लाख है आउट ऑफ द अबोव 25 लाख उंट पर ही चेक डूरिंग दिनेशियल ये अकाउंट में 25 लाख का टर्नओवर मिला फिफ्टी बाई देश्वेंटी एंडलिंग आपसे पूछा वट वुड बॉफ डी फोर्टीफोर एडी फोर्टोर एडी में आपको पता है वो सेक्शन है कि अगर मान लो आपका टर्न ओवर दो करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप अपनी इनकम को प्रजेंटिव बेसिस पे बता सकते हो प्रेजटिव बेसिस में कैसे होगा कि आप अपने

एंड प्लस टू लाइफ फोर्टी थाउजेंड में 9, 40, आ गया सो विल बी द राइट आंसर ये आपका का इनकम माना जाए गा ठीक है? आपका जो आता है क्वेश्चन क्या देखा है मिस्टर जगत इज एम्प्लॉय ऑफ इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द भारत लिमिटेड सेलुलर ऑपरेटिंग इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया इट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलर डिवाइसिंग थ्रीन बाईत से रिलेटेड से फीस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज पेड बाय लिमिटेड अब एक बात समझना यहाँ पे क्या होता है ये से एक सेमिनार था सेमिनार अटेंड किया है एम्प्लॉय ने और उसका पैसा एम्प्लॉर्ड नेगा एक बात बताओ कुछ पर जो टेक्सीबल होते ही नहीं कुछ ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल नहीं होते होते हैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि लंच आपको बताया, लंच आपको अगर ऑफिस में दिया गया और उसका वैल्यू पचास रुपए तक है तो पचास रुपए तक है वो एक्सम हो जाएगा उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा तो चलिए मैं एक काम करता हूं आपको आईसीआई मॉड्यूल का देखिए यहां पर टैक्स फ्री परक्यूज फॉर ऑल एम्प्लॉई ये जो एप्प्लॉय है ना उनके कुछ एम्प्लॉय ऐसे है, कुछ का ऑल एम्प्लॉय के लिए परक्यूज टैक्स फ्री है पहला टेलीफोन फैसिलिटी अगर टेलीफोन फैसिलिटी दी या फिर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई के लिए वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक्ज होती है उसके साथ में आपको पता है मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको लंच दिया गया पचास रुपए तक या फिर आपको मान लो ये जो इसमें एक पॉइंट है ना अमाउंट स्पेंड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉई एम्प्लॉय एम्प्लॉय के ट्रेनिंग पे अगर कोई भी खर्चा किया जाता है तो यहां पे देखिए क्या देखा है अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई और द अमाउंट पेड फॉर द रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स इंक्लूडिंग एक्सपेंसिस ऑन द बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह से रिलेटेड तो यहां पे एम्प्लॉय के एजुकेशन से रिलेटेड अगर मान लो ये दिया जा रहा है तो ये पूरा

ट्यूशन फीस ऑफ द हिमांशु सन ऑफ जगत पेड टू द प्राइवेट कोचिंग क्लासेस नॉट है वो एम्प्लॉयर ने दिया है उस स्कूल के साथ कोई भी टाइप वगैरह नहीं है बच्चे के लिए है तो मैं बताऊं ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी फुल टैक्सेबल उसके बाद मिस सपना डॉटर ऑफ जगत स्टडीड इन डीपीएस पब्लिक स्कूल ओन बाय मेंटेन बाय द भारत लिमिटेड ओन एंड मेंटेन बाय द भारत लिमिटेड मिस एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है ट्यूशन फीस पेड बाय पेड फॉर मिस सपना इज ओनली सेवन फिफ्टी रुपीज दे रहे हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इन द सिमिलर इंस्टीट्यूशन फाइव टू फाइव जीरो और ये कितना दे रहे हैं सिर्फ सेवन फिफ्टी दे रहे हैं इसका मतलब मैं बताऊं अगर आप इसको लेस करोगे तो फोर फाइव हंड्रेड का बेनिफिट दिया जा रहा है अगर ये बेनिफिट वन थाउजेंड तक ही होता तो, तो पूरा एक्ज हो जाता वन से ज्यादा तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई ट्वेल्व के लिए बेनिफिट दिया तो फोर थाउजंडी बैड ट्वेल्व थाउजेंड है वो आ जाएगा तो फिफ्टी फोर थाउजेंड ये एंड ट्वेंटी

रवि इंकर द लॉस ऑफ फोर लैक इन द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में लॉस हुआ करके ठीक है इन द लेदर बिजनेस तो लेदर बिजनेस में उसका लॉस है कितना फोर लैख का अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम अर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर कैन बी सेट ऑफ सच लॉस कौन सी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं प्रॉफिट ऑफ वन लैक फ्रॉम द दस बिजनेस ये पीजीबीपी का प्रॉफिट है एक बात बताओ पीजीबीपी का लॉस है तो पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है आंसर इज यस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द टू लैक फ्रॉम द सेल ऑफ ज्वेलरी क्या इससे भी सेट ऑफ हो सकता है आंसर इज यस सैलरी इनकम ऑफ द वन लैक क्या सैलरी से पीजीबीपी के लॉस सेट ऑफ होते हैं आंसर इज नो सैलरी इनकम से आपके पीजीबीपी के सेट ऑफ नहीं होते आपसे पूछा है चूज द करेक्ट आंसर आपको करेक्ट आंसर चूज करना है तो ये फोर लाख रुपीज का जो लॉस है मैं बताऊं इसमें सबसे पहले तो आपको इस वन लेख से सेटअप किया जाएगा सबसे पहले इस वन लेख से सेटअप किया जाएगा करके ठीक है सेट ऑप किया जाएगा और उसके बाद में जो है वो इस टू लेख से, से आप सेट ऑप नहीं कर सकते करके ठीक है तो पहला आप वन से करेंगे फिर आप टू से करेंगे क्योंकि पहले तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट उसके बाद आप इंटर हेड एडजस्टमेंट में जाएंगे और उसके बाद में सीधा बाकी वाला क्या करेंगे आप कैरी फॉरवर्ड है वो करेंगे तो फर्स्ट है वो आप वन से करेंगे उसके बाद में टू से करेंगे और रिमेनिंग लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ठीक है सो ये आपका जो है वो मॉक टेस्ट पेपर के एमसीक्यूज थे अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखोगे तो ईजी क्वेश्चन है कोई भी उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी तो लास्ट डे

हमको तो 60 मार्क्स लाने हैं तो हम ला लेंगे बिल्कुल भी टेंशन आप मत लीजिए और आराम से अच्छे से जाकर एग्जाम दीजिए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सब चीज़ें आपको एग्जाम में याद आ जाएगी बस आप अपने आपको इमोशनली थोड़ा कंट्रोल में रखिए थोड़ा मोटिवेट रहिए और एग्जाम में अच्छे से आप लिख के आइए करके ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स इस फोर टूडे फ्रॉम माई साइड सी यू इन सी ए फाइनल